किसी गांव में सुलेखा नाम की एक आलसी औरत रहती थी। किसी भी काम को करना हो तो वो बस आलस में चूर होकर मना कर देती थी। एक दिन, क्या बात है सुलेखा, पिछले 3 दिन से तुम सुबह दोपहर शाम चावल ही बना रही हो, रोटी तुमने एक बार भी नहीं बनाई। कुछ तो बना दिया ना, मेरे बस में हो तो कोई काम ना करो, सारा दिन थक जाती हूँ। और रोटी कैसे बनेगी, गेहूँ ऐसे ही पड़ा है, उसे कोई साफ करे तो मैं उसे पीस कर आटा बनाऊं। तुम्हारे पास तो फुर्सत है नहीं, सारा दिन मैं खुद ही घर में अकेली लगी रहती हूँ। क्या तुमने अभी तक आटा नहीं पीसा, मुझे ही ये काम करना होगा। अच्छा जाओ जरा एक गिलास सत्तू ही बनाकर पिला दो, खेत पर बहुत गर्मी थी, मारे गर्मी के पसीने बह रहे हैं। अच्छा गर्मी सिर्फ तुम्हें ही लगती है, मुझे तो लगती नहीं है। मैं भी अभी रसोई में दाल भात बनाकर आई हूँ, अभी बैठी हूँ, बिल्कुल अभी आकर, समझे, एक पल भी नहीं हुआ है और तुम आते से मेरे ऊपर हुक्म चलाना शुरू हो गए। जाओ जाकर खुद बना लो सत्तू, और हाँ एक गिलास मेरे लिए भी बना देना, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। यह कैसी आलसी बीवी मेरे पल्ले पड़ गई है, जब भी कोई काम कहो साफ मना कर देती है। मुझे सब सुनाई दे रहा है जो तुम बोल रहे हो, अब रात का भोजन तुम तैयार करोगे, मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगी, सारा दिन उठ बैठ इधर उधर मेरे पांव दर्द हो रहे हैं। और हाँ थोड़ी धनिया की चटनी भी बना लेना, वो धनिया टोकरी में रखा हुआ है। ये चटनी तो मैंने कल तुम्हें बनाने को बोली थी, खेत से ताजा धनिया तोड़ कर लाया था, तुमने चटनी भी नहीं बनाई। धनिया साफ कौन करके देता, मेरे पास इतना समय नहीं कि धनिया साफ करूं और फिर उसकी चटनी पीसूं, मुझे और भी काम होते हैं और वैसे भी मैं थक गई हूं। अब ये मत कहना कि मैं तुम्हें धनिया साफ करके दे दूं, मैं यहाँ बैठी हूँ, अब मैं नहीं हिलूंगी। एक दिन, सुलेखा मैंने गेहूं पीस दिया है, आटा तैयार कर दिया है, अब तो रोटियां बना देना, रोजाना चावल खा खा कर मेरे पेट में दर्द रहने लगा है, अब ये मत सोचना रोटियां भी मैं ही बना दूं। 2 दिन चावल क्या खा लिए, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो, मैंने भी तो वही खाए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे रोजाना खाना तुम ही बनाते हो, मैं अभी कुछ देर सुस्ताने जा रही हूँ, जब थकान दूर होगी बना दूंगी रोटी। चावल जल्दी बन जाते हैं, रोटी बनाने में आलस आता है, सुलेखा की आलसी आदत पता नहीं कब सुधरेगी, एक गिलास पानी पिलाने में भी आलस आता है इसे। मोहन सुलेखा की आलसी आदतों से बहुत परेशान रहता था, सारा दिन चलते चलते मेरे तो पांव दुख जाते हैं, अभी तैयार होकर आ जाएंगे। सुलेखा चाय बनी नहीं क्या? सुलेखा मेरी चाय बना दी हो तो ले आओ। मैं चूल्हे से उठकर नहीं आने वाली, यहीं आकर ले लो, अब मैं कोई जादू से अपने हाथ लंबे तो नहीं कर लूंगी जो यहीं बैठे बैठे सारा काम कर लूं। अभी चाय मांग रहे हो फिर कोई और काम आ जाएगा, तुम्हें तो लगता है जैसे इधर उधर चलते फिरते मैं थकती ही नहीं हूँ। सुलेखा एक प्याली चाय देने तुमसे नहीं उठा जाता, तुमने तो हद कर दी है। मोहन काम पर जाने लगता है। बेटा अम्मा को कोई भिक्षा देगा, बहुत भूख लगी है। रुको अम्मा, मैं अभी अपनी पत्नी को आवाज लगाता हूँ, सुलेखा बाहर इन अम्मा को जरा कुछ खाने को दे जाओ, मैं खेत पर निकल रहा हूँ। 2 मिनट तसल्ली से नहीं बैठ सकती, फिर उठा दिया। क्या हुआ बेटी, तुम परेशान क्यों हो रही हो, अगर रोटी नहीं है तो मत दो, कोई बात नहीं मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। रोटी तो ले लो, अब मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ, सारा दिन बार बार उठकर इधर उधर भागा दौड़ी करके काम करने से परेशान हूँ। कोई ऐसा उपाय मिल जाए कि मैं एक जगह पर बैठ कर ही सारे काम एक साथ कर लूँ तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाए, मेरे इतने लंबे हाथ तो है नहीं कि मैं एक साथ सारा काम कर लूँ, छोटे छोटे 2 हाथ हैं, आप ही बताओ कितना काम कर लूंगी। अच्छा तो ये बात है, अगर तुम्हारे हाथ लंबे हो जाएं तो तुम खुश रहोगी, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अरे फिर तो मजा ही आ जाएगा, अगर मेरे हाथ लंबे हो गए तो मैं तो कोई भी काम बैठे बैठे चुटकियों में कर लूंगी। ठीक है फिर आज से तुम्हारे हाथ लंबे हो जाएं। देखते ही देखते सुलेखा के दोनों हाथ लंबे हो गए और वो खुशी खुशी घर के भीतर आ गई। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब मैं इन हाथों के इस्तेमाल से बैठे बैठे घर के सारे काम कर लूंगी। अरे आप आ गए, ये देखो। ये कैसे हुआ सुलेखा, तुम्हारे हाथ तो कितने लंबे हो गए।
ये सब उस बूढ़ी माँ ने किया है। सुलेखा मोहन को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मोहन भी हैरान रह जाता है। अब तो सुलेखा घर के सारे काम अपने लंबे हाथों से बैठे बैठे ही कर लिया करती थी, और अब मोहन भी उसे कुछ नहीं कहता था। गांव के सब लोगों को पता था कि सुलेखा के हाथ लंबे हैं। गांव के सब लोग सुलेखा को लंबे हाथ वाली बहू कहते थे। एक दिन क्या हुआ, ये दाई माँ क्यों आई थी सुलेखा? क्यों आई थी? इसलिए आई थी कि क्या सचमुच जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है? हाँ जी, हम दोनों माँ बापू बनने वाले हैं। अब से तुम अपना ख्याल रखना, ज्यादा काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करना। आप फिक्र क्यों करते हो जी, मेरे ये लंबे हाथ किस दिन काम आएंगे? इनकी सहायता से मैं तो बैठे बैठे सारे काम कर लिया करूँगी। और फिर सुलेखा अपने लंबे हाथों के इस्तेमाल से सारा काम आराम से कर लेती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और 9 माह के पश्चात सुलेखा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सुलेखा ये देखो, ये तो बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। रहने दो जी, इसकी आंखें मेरे ऊपर ही होंगी। लाओ मेरी गोदी में दो इसे, मैं देखकर बताती हूँ। ये लो पकड़ो। ये तो मुझसे बहुत दूर है, मैं इसे अपने कलेजे से कैसे लगाऊंगी जी? ये तो मेरी गोदी में भी नहीं आ पाएगा। अब मैं क्या करूँ? इन लंबे हाथों के कारण मैं अपने बच्चे से दूर हूँ, मुझे ये लंबे हाथ नहीं चाहिए। सुनो जी, मुझे अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार करना है। सुलेखा फूट फूट कर रोने लगती है। चुप हो जाओ सुलेखा, तुमने खुद ही तो ये इच्छा मांगी थी, अब क्या हो सकता है? हे भगवान, मैं अपना फायदा देखने निकली थी, मैंने सही गलत के बारे में नहीं सोचा। अरे तुम तो आज भी दुखी हो, मैंने सोचा इधर से गुजरते हुए तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। लंबे हाथ मिलने की वजह से अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो गई होंगी, पर तुम रो क्यों रही हो? अम्मा जी, मुझे ये लंबे हाथ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे को मैं अपनी गोद में नहीं खिला सकती, अपने कलेजे से नहीं लगा सकती, मैं इन लंबे हाथों का क्या करूंगी? आप कृपा करके मेरे हाथ पहले जैसे कर दो, ताकि मैं अपने बच्चे को माँ की गोद दे सकूं। ईश्वर ने हमें जो दिया है, जितना दिया है, हमें उसी में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। तुमने बिना सोचे समझे लंबे हाथ मांग लिए और अपना फायदा देखा, पर नुकसान नहीं सोचा। हमें किसी भी बात के फायदे और नुकसान दोनों पहलू सोचने चाहिए। अब रोना बंद करो, देखो तुम्हारे हाथ पहले की भांति हो गए हैं। शुक्रिया अम्मा, अब मैं अपने बच्चे को गोद में खिला सकती हूँ। सुनो जी, मेरे हाथ ठीक हो गए, मेरे बच्चे को मेरी गोद में दो। सुलेखा के हाथ पहले जैसे हो गए और बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो गई। सुलेखा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, उसे समझ आ गया था कि हर बात के दो पहलू होते हैं, यदि फायदा होता है तो नुकसान भी होता ही है, इसीलिए हमें जीवन में सदैव सोच समझकर ही निर्णय लेने चाहिए।